वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने गगनयान मिशन की तैयारियों से मुतालिक की आला सतही मीटिंग। 2040 तक चंद्रयान पर पहला भारतीय भेजने का रखा हदफ। वज़ीर-ए-आज़म ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ग्लोबल मैरीटाइम सरबराह इजलास में 23,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के मंसूबों का इफ्तिताह और रखा संग बुनियाद। कहा, 9 बरसों से मैरीटाइम सेक्टर को बाख्तियार बनाने के लिए मंसूबे पर हो रहा है काम। अगले 25 वर्षों में तरक्की याफ्ता भारत के लिए हुकूमत पाबंद अहद। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने 69वें नेशनल फिल्म अवार्ड के फातहिन को अवार्ड से नवाजा। मशहूर अदाकारा वहीदा रहमान दादा साहब फाल्के अवार्ड से सरफराज की गई। हम जिंस परस्तों की शादी को कानूनी हैसियत देने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट की बेंच का फैसला। स्पेशल मैरिज एक्ट में तब्दीली और कानून साजी का मुकन्नना को हक हासिल। इंतखाबी रियासतों में चुनावी सरगर्मियां जारी। कांग्रेस पार्टी ने मध्य प्रदेश के लिए वचन पत्र किया जारी। बीजेपी उम्मीदवारों की 5वीं फहरिस्त भी कर सकती है जारी। राजस्थान के 2 लीडर विश्वराज सिंह मेवाड़ और भवानी सिंह कलवी बीजेपी में शामिल। अमेरिका और इसराइल के दरमियान गजा को इंसानी इमदाद फराहम करने का मुआहदा किया गया तय। अमरीकी वजीर खारजा ब्लिंकन और इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू के दरमियान मीटिंग। अमरीकी सदर जो बाइडन कल करेंगे इसराइल का दौरा। आईसीसी क्रिकेट आलमी कप में नीदरलैंड और जनूबी अफ्रीका आमने सामने। जनूबी अफ्रीका ने नीदरलैंड के खिलाफ टॉस जीतकर गेंदबाजी का किया फैसला। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। आइए तफसील से अब खबरों पर नजर डालते हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने विज्ञान भवन नई दिल्ली में मुनक़िदा 69वें कौमी फिल्म अवार्ड पेश किए। साल 2021 के लिए दिए गए इन अवार्ड्स में से 31 अवार्ड फीचर फिल्म जुमरे में और 24 अवार्ड नॉन फीचर फिल्म कैटेगरी में दिए गए। इस मौके पर मारूफ अदाकारा वहीदा रहमान को दादा साहब फाल्के अवार्ड से नवाजा गया। रहमान जी जो सिनेमा का ये सर्वोच्च सम्मान प्राप्त करने वाली 8वीं महिला कलाकार हैं। The ever gorgeous Wahida Rehman has received numerous awards and accolades including Filmfare and National Awards for her remarkable performances, unforgettable characters, her enchanting smile that we can see right now. It has won our hearts and it continues to do so, transcending many generations, many many decades. Today, Wahida ji, Indian cinema expresses its deep gratitude for your exceptional contribution, ma'am, and honors you with the most prestigious, I repeat, the most prestigious accolade in the film industry, the Dada Saheb Phalke Award. Sarsat varshon se abhinay ke kshetra mein sakriya, Hindi samet Telugu, Tamil, Bangla filmon mein bhi kaam kar chuki Wahida ji, Bharatiya cinema mein apne kirdaron se amit chhap chhod gayi hain. 1955 से शुरू हुआ सफर जो प्यासा गाइड कागज के फूल। इस मौके पर मरकजी वजीर इत्तला व नशरियात अनुराग सिंह ठाकुर ने तमाम फनकारों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि जब पूरी दुनिया को कोरोना की वजह से नबर्द आजमा थी, ऐसी मुश्किल वक्त में फिल्मी सनत के फनकारों ने लोगों को महसूस किया। जब देश और दुनिया के सामने संकट था, ये बहुत मुश्किल लगता था, कौन बच पाएगा कौन नहीं बच पाएगा, बहुत सारे लोग तनाव और दबाव में जी रहे थे। उस समय हमारी फिल्म इंडस्ट्री के
इन महान कलाकारों ने मनोरंजन भी किया और आपको और देश के तरफ से मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूं। मरकजी वजीर इत्तलात व नशरियात अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि पायरेसी के मसले पर काबू पाने के लिए हुकूमत ने गुज़श्ता इजलास में सिनेमाटोग्राफ एक्ट मंजूर किया। उन्होंने कहा कि हम सब बहरी कज़ाफ़ी के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं और इसलिए हुकूमत आपके साथ है। फिल्म जगत की बहुत लंबे समय से मांग थी कि जितना हम कमाते नहीं उतने से ज्यादा पायरेसी में उड़ जाता है और ये कई वर्षों तक आपकी मांग किसी ने पूरी नहीं की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने हमने स्वयं पिछले पार्लियामेंट सेशन में सिनेमाटोग्राफ एक्ट को पास करवा दिया है। पायरेसी के खिलाफ एक बड़ी जंग हम सब लड़ रहे हैं और उसमें सरकार आपके साथ खड़ी है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भारत के गगनयान मिशन की पेशरफ्त पर एक आला सतही मीटिंग की। उन्होंने मुस्तकबिल की भारतीय खलाई कोशिशों के लिए रोडमैप की तैयारी पर तबादला ख्याल किया। खलाई महकमे ने वज़ीर-ए-आज़म को गगनयान मिशन और दीगर टेक्नोलॉजी के बारे में मालूमात फराहम की। इसमें गैर इंसानी ह्यूमन रेटेड व्हीलर और सिस्टम से मुतालिक मंसूबा शामिल है। 3 बगैर पायलट की गाड़ियां और 20 दीगर ट्रायल का मंसूबा भी बनाया गया है, जबकि 21 अक्टूबर को पहला बगैर पायलट तजुर्बा होना अभी बाकी है। काबिल जिक्र है कि साल 2025 तक भारत का मकसद इंसानों को खला में भेजने की सलाहियत हासिल करना है। चंद्रयान 3 और L1 आदित्य मिशन की कामयाबी के पेश नज़र वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने साल 2035 तक एक भारतीय खलाई स्टेशन कायम करने और साल 2040 तक इंसानों को चांद पर भेजने की तैयारी का हदफ मुकर्रर किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 के तीसरे एडिशन का इफ्तिताह किया। इसके अलावा मुंबई के MMRDA ग्राउंड में 3 रोज़ा समिट का आगाज़ हुआ। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कॉन्फ्रेंस के दौरान 4 प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया और संग बुनियाद रखा। इसमें 18,800 करोड़ रुपये के 21 प्रोजेक्टों का इफ्तिताह भी शामिल है। वज़ीर-ए-आज़म ने गुजरात में दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी में 2 नाटेकर ऑल वेदर डेप ड्राफ्ट टर्मिनल का संग बुनियाद रखा, जो 4,500 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से तामीर किया जाएगा। इस दौरान वज़ीर-ए-आज़म ने बहरे हिंद की नीली मईशत के लिए तवील मुद्दती रोडमैप अमृतकाल विजन 2047 की नकाब को शाई की। तकरीब के दौरान वज़ीर-ए-आज़म ने बहरी शोबे में आलमी और कौमी शराकतदारी के लिए 7,00,000 करोड़ रुपये से ज्यादा के 300 से ज्यादा मुफाहमतनामों को कौम के नाम वक्फ किया। प्रोग्राम से खताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत जहाज रानी के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने के लिए मुसलसल काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि इन कोशिशों से हम आइंदा 25 साल में मुल्क को तरक्की याफ्ता बनाएंगे। आज का भारत अगले 25 वर्षों में विकसित होने के लक्ष्य पर काम कर रहा है। हम हर सेक्टर में क्रांतिकारी परिवर्तन ला रहे हैं। हमने मैरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर के पूरे इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए लगातार काम किया है। बीते एक दशक में भारत के मेजर पोर्ट्स की कैपेसिटी डबल हो चुकी है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि समुद्री बंदरगाह खुशहाली और तरक्की की अलामत है। उन्होंने कहा कि हुकूमत के काम की वजह से ये बंदरगाहें अब मुनाफा बख्श साबित हो रही हैं। पोर्ट्स फॉर प्रॉस्पेरिटी और पोर्ट्स फॉर प्रोग्रेस का हमारा विजन धरातल पर लगातार बदलाव ला रहा है, लेकिन हमारे काम ने पोर्ट्स फॉर प्रोडक्टिविटी के मंत्र को भी आगे बढ़ाया है। इकोनॉमी की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हमारी सरकार लॉजिस्टिक सेक्टर को भी इफेक्टिव और एफिशिएंट बना रही है।
भारत मशरक़ वस्ता यूरोप इक्तसादी राहदारी को तारीखी करार देते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि ये आने वाले वक्त में इलाकाई और आलमी तिजारत की तस्वीर बदल देगा। भारत की पहल पर एक ऐसा कदम उठाया गया है जो 21वीं सदी में दुनिया भर की मैरीटाइम इंडस्ट्री के कायाकल्प का सामर्थ्य रखता है। G20 समिट के दौरान इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर पर ऐतिहासिक सहमति बनी है। अब ये ऐतिहासिक कॉरिडोर भी रीजनल और ग्लोबल ट्रेड की तस्वीर बदल देगा। वजीर आजम ने कहा कि भारत की मईशत मुसलसल मजबूत हो रही है और दुनिया नई उमंगों के साथ भारत की तरफ देख रही है। दुनिया में एक नया वर्ल्ड ऑर्डर आकार ले रहा है और इस बदलते हुए वर्ल्ड ऑर्डर में पूरा विश्व भारत की ओर नई आकांक्षाओं से देख रहा है। आर्थिक संकट से घिरी दुनिया में भारत की अर्थव्यवस्था लगातार मजबूत हो रही है। वो दिन दूर नहीं जब भारत दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमिक पावर में उसमें से एक होगा। वजीर आजम ने उम्मीद जाहिर की कि भारत आइंदा दहाइयों में बहरी जहाज बनाने वाले सरफहरिस्त 5 ममालिक में शामिल होगा। उन्होंने ये भी कहा कि हमारा मंत्र मेक इन इंडिया और मेक फॉर द वर्ल्ड है। शिप बिल्डिंग और रिपेयर सेक्टर पर भी हमारा बड़ा फोकस है। हमारा स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत भारत की क्षमता और भारत के सामर्थ्य का प्रमाण है। अगले दशकों में भारत दुनिया के टॉप 5 शिप बिल्डिंग नेशंस में से एक होने जा रहा है। हमारा मंत्र है मेक इन इंडिया मेक फॉर वर्ल्ड। आगे बढ़ते हैं। बंदरगाहों जहाजराने और आबी गुजरगाहों के मरकजी वजीर सर्बानंद सोनोवाल ने ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट में अपने खिताब के दौरान कहा कि ये वजीर आजम मोदी की दूरंदेश क्यादत का नतीजा है कि भारत के बहरी शोबे ने आलमी समुद्री लीडर बनने की तरफ नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। हमारे मुल्क ने गुज़श्ता दहाइयों में तरक्की के गैर मामूली मुतहरिक दौर का मुशाहिदा किया है। It is under his visionary leadership sector as a ship हम जिस परस्तों की शादी को कानूनी हैसियत देने के मामले पर अपना फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट की आईनी बेंच ने कहा कि हम जिस परस्तों की शादी को कानूनी हैसियत देना मुकन्ना के दायरे इख्तियार में है। CJI ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को केस की समाअत का हक है। CJI ने कहा कि हम जिन्स परस्ती गैर फितरी नहीं है, ये भारत में सदियों से है। चीफ जस्टिस ने कहा कि ये तसव्वुर नहीं किया जा सकता कि सिर्फ हम जिन्स परस्त जोड़े ही अच्छे वालिदैन बन सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हम जिन्स परस्तों और गैर शादीशुदा जोड़ों को गोद लेने से रोकने वाले CARA रेगुलेशन के सेक्शन 5(3) को ख़त्म कर दिया है। उन्होंने मजीद कहा कि मरकजी और रियासती हुकूमतों को इस बात को यकीनी बनाना चाहिए कि हम जिन्स जोड़ों को दरपेश मसाइल को दूर किया जाए। CJI ने मरकजी और रियासती हुकूमतों को हिदायत दी कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि हम जिन्स परस्तों के लिए सामान और खदमात तक रसाई में कोई इम्तियाज न बरता जाए और हुकूमत को हिदायत दी कि वो हम जिन्स परस्तों के हकूक़ के बारे में अवाम को हसास बनाएं।
कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में असेंबली इंतखाबात के लिए अपना वचन पत्र के नाम से इंतखाबी मंशूर जारी किया। कांग्रेस ने इस इंतखाबी मंशूर में 10 नए वादे शामिल किए हैं। नौजवानों, किसानों, सरकारी मुलाजमीन, दर्ज फहरिस्त जातों, दर्ज फहरिस्त कबाइल और पसमानदा तबकात और खुशहाल खानदानों की फलाह व बहबूद के बारे में ऐलानात किए गए हैं। खासतौर पर किसानों के लिए काश्तकारी की लागत को कम करने पर तवज्जो दी जा रही है। असेंबली इंतखाबात के लिए कांग्रेस का मंशूर जारी करते हुए कमलनाथ ने कहा कि 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली, पुरानी पेंशन और बेरोजगारी अलाउंस देने का भी ऐलान किया गया है। कांग्रेस ने धान 2500 रुपये फी क्विंटल और गेहूं 2600 रुपये फी क्विंटल के हिसाब से खरीदने का ऐलान किया है। इस मौके पर पार्टी के रियासती सदर और साबिक वजीर आला कमलनाथ, जनरल सेक्रेटरी रणदीप सिंह सुरजेवाला और कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर राजेंद्र कुमार सिंह, दिग्विजय सिंह, कांतिलाल भूरिया, विवेक तनखा समेत कई लीडर मौजूद थे। राजस्थान के दो बड़े लीडर विश्वराज सिंह मेवाड़ और भवानी सिंह कलवी आज बीजेपी में शामिल हो गए। दोनों रहनुमा मरकजी वजीर अर्जुन राम मेघवाल, बीजेपी जनरल सेक्रेटरी और अरुण सिंह और बीजेपी मीडिया इंचार्ज अनिल बलूनी की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हुए। विश्वराज सिंह मेवाड़ महाराणा प्रताप के खानदान से ताल्लुक रखते हैं। मरकजी वजीर अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी का विजन 2047 तक भारत को तरक्की याफ्ता बनाना है, जिसमें राजस्थान अहम किरदार अदा करेगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी का मकसद राजस्थान की तरक्की करना है। प्रधानमंत्री जी ने एक संकल्प लिया कि हम 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाएंगे, उसमें राजस्थान का महत्वपूर्ण रोल रहने वाला है। मैं भवानी सिंह जी से जब बात कर रहा था तो मुझे लगा कि इकोनॉमी की साइज बढ़ाने के इनके पास बहुत आइडियाज है। ऐसे ही आइडियाज महाराज कुंवर साहब विश्वराज सिंह जी के पास है, तो मुझे लगता है कि हम राजस्थान को विकसित राजस्थान बनाने में बहुत जो योगदान इनके आज ज्वाइनिंग की प्रक्रिया में होने वाला है। लोकसभा स्पीकर ने टीएमसी एमपी महवा मोइत्रा के खिलाफ इल्जामात की तहकीकात के लिए मामला अखलाकियात से मुताल्लिक कमेटी को भेज दिया है। बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट निशिकांत दुबे ने एक खत लिखा था, जिसमें मोइत्रा पर पार्लियामेंट में सवाल पूछने के बदले रकम और तहाइफ लेने का इल्जाम लगाया था। इसने एक ताजिर दर्शन हीरा नंदनी और मोइत्रा के दरमियान रकम के लेन देन का भी इल्जाम लगाया था। इसके अलावा निशिकांत ने मोइत्रा को पार्लियामेंट से फौरी तौर पर मुअत्तल करने का भी मुताल किया था। अजीम मुफक्किर मुस्लिह कौम सर सैयद अहमद खान का आज यौम पैदाइश है। आज ही के दिन 1817 में सर सैयद अहमद खान ने दिल्ली के एक मजहबी और तालीम याफ्ता घराने में आँख खोली। सर सैयद अहमद खान की हमाजहत शख्सियत ने न सिर्फ इल्मी मैदान में अपना गहरा नक्श छोड़ा, बल्कि उर्दू जबान के फरोग में भी उनका अहम किरदार रहा है। सर सैयद अहमद खान को जदीद तालीम के मोहरिक और जदीद उर्दू नसर का बानी तसव्वुर किया जाता है। उन्होंने उर्दू मजमून निगारी को तकल्लुफ और तसन्नों से आज़ाद करके इबारत को सादा और आसान किया। सर सैयद ने 1864 में गाजीपुर में साइंटिफिक सोसाइटी कायम की, 1870 में रिसाला तहजीबुल अखलाक जारी किया और 1875 में अलीगढ़ में मदरसतुल उलूम और फिर उसके बाद मॉमडन ओरिएंटल कॉलेज कायम किया, जिसे 1877 में कॉलेज का दर्जा मिला और 1920 में यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला। अगली खबर की जानिब बढ़ते हैं। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश इंतखाबात के लिए अपना इंतखाबी मंशूर जारी किया है। इसमें कांग्रेस ने नौजवानों, बुजुर्गों और खवातीन समेत सभी को मदद करने की कोशिश की है। किसानों के लिए कर्ज मुआफी, इंदिरा किसान ज्योति जैसी स्कीमें शामिल हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क के बाशिंदों की शोहरत और शान में मुसलसल इजाफे के लिए माँ चंद्र घंटा से दुआ की। पीएम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा, हिम्मत और बहादुरी की अलामत माँ चंद्र घंटा को बार बार सलाम। माँ के आशीर्वाद से अहले वतन के शोहरत और शान में मुसलसल इजाफा हो, यही दुआ है।
महाराष्ट्र नासिक में HAL के नए प्रोडक्शन यूनिट को मुकम्मल तौर पर फाल करने की तरफ बढ़ रहा है। वजीर दिफा ने अप्रैल के महीने में इस लाइन का इफ्तिताह किया था। ये नासिक में HAL की तेजस मैन्युफैक्चरिंग सहूलत का तीसरा पैदावारी यूनिट है। अब कंपनी हर साल 24 LCA तेजस 1 के ए लड़ाका तैयार कर चुकी सकेगी। फिलहाल कंपनी की पैदावारी सलाहियत पर साल 16 LCA तेजस MK-1A जंगी तैयारी बनाने की है। इसका मतलब है कि तेजस को बेंगलुरु के अलावा नासिक में भी तैयार किया जाएगा। फिजाइया ने AIMK तेजस के 83 लड़ाका तैयारी का ऑर्डर दिया है। आत्मनिर्भर भारत मुहिम के तहत HAL तेजी से देसी लड़ाका तैयारों की तैयारी में तरक्की कर रहा है। अब भारत दिफाई शोबे में बहुत से मवाद की बरामद की तरफ बढ़ रहा है। इस सम्त में हुकूमत का पुरजोश मंसूबा मरहलवार हकीकत बन रहा है। उत्तराखंड के 8 देहात को 75 साल में पहली बार सड़क से जोड़ा जाएगा। मरकजी हुकूमत के अहम मंसूबे के तहत चीन की सरहद पर वाकई सरहदी जिला पिथौरागढ़ के 8 देहातों को पहली बार सड़क के जरिए जोड़ा जाएगा। तकरीबन 44 किलोमीटर लंबाई की 6 सड़कों की तामीर के साथ 8 गांव की आबादी के साथ सरहद पर तैनात ITBP को भी इन सड़कों का फायदा मिलेगा। चीफ सेक्रेटरी की सदारत में हुई मीटिंग में अब तक 18 महकमों की 758 करोड़ रुपए की 510 स्कीमों को मंजूरी दी गई है। चीन सरहद के नजदीक वाकई इन देहातों के बाशिंदे मुनासिब सड़कों की कमी की वजह से मुश्किल जिंदगी गुजार रहे थे। उत्तराखंड देही तरक्की और माइग्रेशन प्रिवेंशन कमीशन ने रियासत में सरहदी सियासत को फरोग देने के लिए एक जामे मंसूबे पर काम शुरू कर दिया है। अमरीका और इसराइल के दरमियान गजा को इंसानी इमदाद फराहम करने का मुआहदा तय पाया गया है। यह फैसला अमरीकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन और इसराइली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू के दरमियान 8 घंटे की मुलाकात के बाद किया गया। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ब्लिंकन ने मुलाकात के बाद कहा कि अमरीका और इसराइल ने गजा में मुकीम शहरियों तक इमदाद पहुँचाने के लिए एक मंसूबा तैयार करने पर इत्तेफाक किया है। उन्होंने ये भी कहा कि ये एक अहम मसला है और इंसानी इमदाद के लिए जल्द गजा पहुंचना जरूरी है। नीज अमरीकी वजीर खारजा ब्लिंकन ने खदशा जाहिर किया कि हमास इसमें खलल डालने की कोशिश कर सकता है। इसराइल और हमास में जंग के 11वें रोज भी फिजाई हमलों की वजह से सायरन की आवाज़ें गूंज रही हैं। दारुल हुकूमत तेल अबीब में फिजाई हमलों के बाइस सायरन की आवाज़ से लोग महफूज मकामात पर पनाह ले रहे हैं। हमास की जानिब से दागे गए रॉकेट को इसराइल के आयरन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने तबाह कर दिया। इन धमाकों की गूंज पूरे शहर में सुनाई दे रही है। इसराइल के खारजी उमूर के वजीर इमाची चकली ने इसराइल की हिमायत करने पर भारत का शुक्रिया अदा किया है। इसराइली फौज के तर्जुमान रियर एडमिरल डैनियल हैगरी ने अमरीकी सदर जो बाइडन के दौरे इसराइल को स्ट्रेटेजिक अहमियत का हामिल करार दिया है। बाइडन के दौरे को मगरबी एशिया के लिए स्ट्रेटेजिक अहमियत का हामिल करार देते हुए फौज के तर्जुमान ने कहा कि अमरीकी सदर की आमद से मुख्तलिफ असरात मुरतब होंगे। इस दौरान जंगी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा और मगरबी एशिया में उभरने वाले मुख्तलिफ हालात पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। वियतनाम के 4 रोज़ा दौरे पर वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जय शंकर ने सरकर्दा रहनुमाओं से मुलाकात की और दो तरफा तआवुन को बढ़ाने के मुमकिन शोबों पर तबादला ख्याल किया। दोनों ममालिक ने तिजारत तवानाई दिफा और मैरीटाइम सिक्योरिटी पर बात की। इस दौरान हिंद बहरुल काहिल के इलाके में चीन के जारहाना रवैये पर ख़ास तौर पर तबादला ख्याल किया गया। जयशंकर ने वियतनाम के वजीर आजम फाम मिन चिन से मुलाकात की और वजीर आजम नरेंद्र मोदी की तरफ से उन्हें मुबारकबाद पेश की। इस पैगाम में कहा गया है कि भारत और वियतनाम के दरमियान मजबूत ताल्लुकात हिंद पैसिफिक खित्ते में इस्तेहकाम सलामती और खुशहाली को फरोग देंगे। जयशंकर ने एक्स पर जारी अपने पैगाम में ये जानकारी दी है। काबिल-ए-ज़िक्र जयशंकर ने अपने वियतनामी हमनसब बुई थान स्वान के साथ तआवुन बढ़ाने के मुमकिन शोबों पर तफसील से तबादला ख्याल किया। दोनों रहनुमाओं ने बहराई जनूबी चीन समेत हिंद बहरुल काहिल खत्ते के हालात को मद्देनजर रखते हुए तआवुन बढ़ाने पर इतफाक किया। जयशंकर और सून ने भारत और वियतनाम के दरमियान सिफारती ताल्लुकात के 50 साल मुकम्मल होने के मौके पर डाक टिकट भी जारी किया।
यूरोपीय यूनियन ने गजा तक इंसानी इमदाद पहुंचाने के लिए मिस्र तक एक फिजाई ब्रिज ऑपरेशन शुरू करने का ऐलान किया। इसका मकसद गजा तक मुख्तलिफ तंजीमों की तरफ से फराहम की जाने वाली इमदाद पहुंचाना है। यूरोपीय कमीशन की सदर अर्सुला वान डर लेनन ने अलबाई के शहर तेराना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यह ऐलान करते हुए कहा कि यूरोपीय यूनियन ने अपनी इंसानी इमदाद 3 गुना करने का फैसला किया है। यूरोपीय यूनियन अब गजा में शहरियों की मदद के लिए 75 मिलियन यूरो से ज्यादा की इमदाद फराहम करेगी। ब्राज़ील में दरियाए अमेज़न के पानी की सतह 100 साल की कम तरीन सतह पर आ गई है। इससे आसपास के इलाकों में खुश्क साली की सूरत हाल पैदा हो गई है। खुश्क साली की वजह से लाखों लोगों की ज़िंदगियां मुतासिर हुई हैं। इसके अलावा पानी की सतह कम होने की वजह से जंगलात के साथ माहौलियाती निज़ाम को भी नुकसान पहुँचा है। अमेज़न की मुआविन नदियों की तेज़ी से खुश्क होने से जहाज़रानी में रुकावट पैदा हो रही है, जिससे दूर दराज के देहातों में खुराक और पानी की सप्लाई मुतासिर हो रही है। वनडे वर्ल्ड कप में आज जनूबी अफ्रीका और नीदरलैंड के दरमियान धर्मशाला में मैच खेला जा रहा है। मैच में जनूबी अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। ताज़ा खबरें मिलने तक नीदरलैंड ने 5 विकेट के नुकसान पर 103 रन बनाए। तो नाज़रीन, खबरनामे में फिलहाल इतना ही। इजाजत दें, आदाब। इतना बड़ा आपने एक आइकॉनिक